सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये है सैमसंग का 7262। दोस्तों अगर इसमें आपके फिक्स जैसे कि नेटवर्क की दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज देना है जो आपके चेक करने का लिमिटर होगा। से सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज दे के आपको, ठीक है, पावर यहाँ पे दे के फिर आपको सबसे पहले अपने मीटर को, मैं बता देता हूँ आपको कैसे चेक करना है, हालांकि मैं लगा के नहीं बता रहा हूँ लेकिन फिक्स ये आपकी दिक्कत निकल जाएगी। आपके मीटर को रखना है इस पर, रखना है 20 पे रखना है आपको, ठीक है। फिर आपको चेक करना है एक को तो ग्राउंड पे रखना है और सेकंड को रखना है आपको, ये बड़ा सा कंपोनेंट दिख रहा है इस साइड में, ठीक है ना, इस पर रखना है आपको। और फिर यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं, कम से कम मेरे हिसाब से जितना आपको बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज मिल रहा है लगभग उतना ही मिलना चाहिए वहाँ पे भी। अगर वहाँ पे वोल्टेज पूरा आ जाता है, अगर वहाँ से 4 के आसपास है, 4 के ऊपर ही रहेगा मेरे हिसाब से, तो वो अगर आपके कंप्लीट आ जाता है यहाँ पे पावर, अगर आपको कंप्लीट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो आपके व्यू को सही है। और फिर भी अगर आपके दिक्कत आ रही है ये वाली, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिना सोचे समझे एक बार यहाँ पे एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल को क्या करना है आपको निकालना है, और उसके बाद आपको किसी दूसरे सेट से आपको निकालना पड़ेगा वो वाला। और ध्यान रखना इसमें एक डॉट लगा हुआ रहता है, उस डॉट को जिधर भी है वो देख के फिर ही लगाए, नहीं तो उल्टा सीधा मत करना आप, क्योंकि इसमें एक डॉट रहता है, आप पहले इसको देख लेना कि किस तरफ वो डॉट लगा हुआ, उसी तरफ आपको वो जो आप किसी अदरवाइज सेट में से निकालोगे तो उसको उसी तरफ लगाना है। वो किसी सेट में मिलेगा, अदरवाइज मार्केट में शायद आपके वहाँ मिलता हो, यहाँ तो नहीं मिलता है, लेकिन आपके वहाँ मिलता हो तो लेके डाल देना, अगर नहीं मिलता है तो किसी अदरवाइज सैमसंग के सेट में, अदरवाइज किसी भी सेट में लगभग मिल जाएगा ये, तो उनसे ये निकाल के लगा देना। नो सर्विस इमरजेंसी में लगभग इसी से सॉल्यूशन हो जाता है, और अगर नहीं होता हो तो आप यहाँ पे जंपर और भी यहाँ पे लगा के देख लेना, ये ट्राई करके देख लेना, उसके बाद ही ये करना, ठीक है, तो आपका नेटवर्क बिल्कुल आ जाएगा। मैं हालांकि मेरे इस फ़ोन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है नेटवर्क की, इसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जब जितने भी फ़ोन किए, हालांकि मैं उनका वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपका बिल्कुल 101% हो जाएगा इससे ही, आप ट्राई कीजिए। और मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर रखनी है पिन एक, और एक रखनी है इस वाले बड़े वाले कंपोनेंट पे, और वो साइड में, ठीक है, जिधर मैं चिमटी कर रहा हूँ उस साइड में करनी है। और सेकंड यहाँ पे अगर वोल्टेज सही आ रहा है आपके, तो आपको कुछ नहीं करना है, जंपर लगा के देख लेना एक बार यहाँ पे, ठीक है, इन कंपोनेंट पे लगा के देख लेना, अगर यहाँ पे फिर भी नहीं आता है तो आपको कुछ यहाँ के ट्रैक ख़राब हो इसके हिसाब से, अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्रिस्टल को चेंज कर देना है। इसको जैसे चेंज करोगे 101% मेरे साथ, तो जहाँ तक कि मैंने अभी तक मोबाइल रिपेयर किया है उसके हिसाब से सब में ये दिक्कत ख़त्म हो गई है। तो अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद में भी अगर नेटवर्क नहीं आता है तो वो फिर कुछ नहीं हो सकता, बॉडी ख़राब है, ठीक है, तो 101% तो आपका काम हो जाएगा, और ट्राई कीजिए, बिल्कुल होगा, आप श्योर रहिए। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यार, ठीक है, ये मैं बिल्कुल, मुझे 2-4 लोगों ने बोला कि यार नेटवर्क की दिक्कत आ रही है ये वाली, इसके हिसाब से सैमसंग में लगभग फ़ोन में ये दिक्कत आती है नो सर्विस वाली, तो लगभग आप ये करके देख लीजिए, आपका काम हो सकता है यार, ठीक है, तो लाइक तो ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और डिसलाइक तो करने वाले डिसलाइक कर ही देते हैं, शायद वीडियो चले नहीं चले लेकिन डिसलाइक पहले आ जाता है, ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।